नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं क्यूरिन। तो इस वक्त भारत कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहा है। इससे पहले जहां कई लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाह रहे थे, वहीं अब वैक्सीनेशन सेंटर्स पर स्लॉट मिलना मुश्किल हो चुका है। इस वक्त भारत में करोड़ों लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, हालांकि अभी भी ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट से डरे हुए हैं। जबकि मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि आमतौर पर सभी वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और ये सभी सेहत के लिए बुरे नहीं हैं। वैक्सीन लगने के बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट्स का अनुभव होता है, जिसका मतलब ये होता है कि आपका इम्यून सिस्टम वायरस से लड़ने के लिए तैयार हो रहा है। तो किसी भी वैक्सीनेशन को लगवाने के बाद कई लोग साइड इफ़ेक्ट्स का अनुभव करेंगे और कुछ लोग नहीं करेंगे। ये साइड इफ़ेक्ट्स हल्के या हल्के से थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, जो 2 या 3 दिन तक अपने आप ठीक हो जाते हैं। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स का मतलब ये होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम वायरस के खिलाफ अपनी रिएक्शन दे रहा है और भविष्य में हमारे शरीर को कोविड संक्रमण को पहचानने में और उससे लड़ने में मदद कर रहा है। तो वैक्सीन लगने पर शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली बन रहे स्पाइक प्रोटीन की पहचान एक खतरे के तौर पर लेती है और इससे लड़ने के लिए शुरू हो जाती है। शरीर में प्राकृतिक प्रतिक्रिया शुरू होने की वजह से व्यक्ति को साइड इफ़ेक्ट्स का अनुभव होता है, इसलिए इससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कम कंपी या दर्द अनुभव होने का मतलब ये है कि वैक्सीनेशन आपके शरीर को वायरस को पहचानने और उससे लड़ने की ट्रेनिंग दे रही है। वहीं वैक्सीन लगने के कुछ घंटों बाद या फिर अगले दिन आपको बुखार हो सकता है, हालांकि इससे परेशान नहीं होइए। डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवा से इसका इलाज कर सकते हैं। ये बुखार अगले दिन तक अपने आप उतर भी जाएगा। इसके अलावा हाथ में दर्द भी आप अनुभव कर सकते हैं। हाथ पर जिस जगह इंजेक्शन लगा होता है, कई लोग उस जगह पर दर्द महसूस करते हैं। कई बार हाथ की त्वचा लाल भी हो जाती है। ये दर्द 1-2 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। अगली प्रॉब्लम जो देखी गई है वो है बदन दर्द। मांसपेशियों और जोड़ों में कम तीव्रता वाला दर्द एक आम बात है, जो वैक्सीनेशन से शरीर में जाने से उत्पन्न हो सकता है। ये भी अपने आप ठीक हो जाता है। अगला बड़ा साइड इफ़ेक्ट जो देखा जाता है वो है सिर दर्द। भारत और विदेशों में लग रहे टीकों में सिर दर्द भी दूसरे सबसे अधिक दर्ज करने वाले लक्षण सामने आए हैं। सिर दर्द का मतलब भी यही है कि शरीर वायरस के खिलाफ तैयारी कर रहा है। और आखिर में थकान। वैक्सीन शॉट लगने के बाद भी थकान या घबराहट का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि शरीर वायरस से बचाव कर रहा है। महामारी के इस समय थकावट भी एक बेहद आम लक्षण बन गया है। जो लोग कोविड 19 से संक्रमित होते हैं वे अक्सर लंबे समय तक थकान महसूस करते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हों तो फिर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। वो क्या हैं साइड इफ़ेक्ट्स, चलिए जानिए। तो वैक्सीन लगने के बाद कई तरह के साइड इफ़ेक्ट्स का अनुभव हो सकता है, लेकिन ऐसे में लक्षण जिन्हें गलती से भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, वो कौन से लक्षण हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं रैशेस यानी चकत्ते पड़ना। एक्सपर्ट्स के मुताबिक त्वचा पर चकत्ते या लाल होना वैक्सीन का सबसे आम साइड इफ़ेक्ट ज़रूर है, लेकिन इसे देखने में कई बार 1 हफ्ते से ज़्यादा समय भी लग जाता है इसको ठीक होने में। चकत्ते उन लोगों में ज़्यादा आम होते हैं जो किसी तरह की एलर्जी से जूझ रहे हों या जिनकी त्वचा नाजुक हो। हालांकि आपको जैसे ही चकत्ते नज़र आएँ फौरन डॉक्टर को दिखाएं। इसके अलावा सूजन, ब्लीडिंग, बेहोशी में बोलना या बेहोश हो जाना भी नज़रअंदाज मत करें और तुरंत मेडिकल एक्सपर्ट की राय ज़रूर लें। तो दोस्तों, ये है हमारी आज की जानकारी। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की, जिसके बाद हमें ये जानकारी मिली थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। नमस्कार।